पलक कहीं और टकरा गई तो वहां से भी भाग जाएगा। मुझे नहीं पता था कि रोहित रोहित ऋत्विक को बुलाने वाला है। आई हैड सीरियसली नो क्लू। पलक कम ऑन से तू पलक आप रिश्ता जोड़ेंगे इस घर से नाइस लेकिन उससे पहले मेरा डिवोर्स होगा। पलक तेरी नजर लगी है इस घर को। तू इस घर की खुशियां लेकर गई। यही का नाम है पलक को इस घर के सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन बनाना। वो समायरा हमारे घर पे है। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैरिज सेपरेशन वो डिप्रेस हो रही है। आपके खानदान का पेशा लोगों की शादियां तोड़वाना नहीं है। Am I forgetting something or is something new? रीवा ने ना समायरा को कभी संभाला ही नहीं। I mean, मैं समझ सकता हूँ कि उसे मुझसे कोई लगाव नहीं है लेकिन यार वो बच्ची तो उसकी अपनी है ना। गलत है ना। वैसे सैम को मैंने उसके फ्रेंड के यहाँ भेज दिया है, so she's comfortable. सैम को तो उसके। हाँ लेकिन मैं तुझे ये कह रहा था कि यार उसको ना तो मेरी पड़ी है ना मेरी दादी की पड़ी। I mean, मैंने कभी एक हस्बैंड वाले हक तो कभी जताए नहीं उसके ऊपर। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? शिवम तो जिंदा है। Dude, just hide anywhere right now. क्या हुआ? क्या रिकी भैया आ रहे हैं? He's damn pissed. You have no idea. तुझे उन्होंने ड्यूटी दी थी ना to go and pick up Sam and you didn't do it. अरे शनाया तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? इसने बताया ना वो अपने दोस्त के घर खेलने गई है। दोस्त के घर? बता दे। दोस्त ना? Actually, Palak's house. What? शिवम! Shit, शिवम चुपचाप आ गए भाई आ गए चुपचाप। कहाँ है ये? कौन 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 कहाँ है? शिवम उल्लू का पत्थर और कौन? अरे सैमो मेरा बच्चा कमिया कहाँ गया था मेरा बच्चा? क्या दिया के घर पे? Where is that irresponsible brat? Tell me right now. कौन irresponsible? अरे रिकी छोड़ ना यार मुझे पता था कि वो वहाँ। ओए तू ना उसको कवर अप करने की कोशिश मत कर मारूंगा तेरे मैक। पता है कहाँ गई थी ये? Listen, घर पे है वो। Is he home? Jim. शिवम Yes. पेन गिर गया था। Really? मिल गया? अपनी आखिरी ख्वाहिश भी लिखते उस पर। अरे सैम कैसे बच्चा? चाचू वहाँ कैसे पहुंची? अरे विकी यार तू क्यों इतना मतलब क्या तू बच्चे की जान लेगा क्या यार? अरे वो उसने बताया ना यार वो उसके घर पे खेलने गई थी। So what's the big deal? Play date. Baran, we have another one. A play date. मेरे बॉक्सिंग रिंग में। चल। तो शनाया की शादी हो मतलब रिश्ता पक्का हो रहा है वो निखिल। हाँ भाई actually just see what's this nonsense that dad just wants him to get married like that. I don't want to get married. When did this happen? Actually you know what? इस घर की यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे किसी का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं आपस में। Damn all of you. That's why I'm leaving this stupid place. चलो। तू कितनी बड़ी डबल क्रॉसर है? मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। Oh hello. तेरा प्लान कितना थर्ड क्लास है। हाँ तो तेरे पास बहुत अच्छा प्लान है ना तो बनाना कोई अच्छा प्लान। ठीक है तू मेरी शादी रुकवा दे एंड आई विल हेल्प यू विद पलक। डील? आई गेस। बाबा मम्मी जी बुला रही हैं। डॉक्टर ने क्या बोला? सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो गए हैं। अब ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं पाऊंगी। आप ट्रीटमेंट शुरू क्यों नहीं करवाते हो? ये क्या जिद है? पूरी दुनिया यूएस जाती है। ऐसे में तो आप सबको ज्यादा गिल्ट में डाल दोगे। कोई अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा माँ आप समझो। मैं आपको किसी के सामने बीमार नहीं दिखाना चाहती शिवम। पलक के बारे में कुछ मालूम पड़ा? आई फाउंड पलक। अलग भाभी मसूरी में थी और भाभी पाकी नहीं पापा की नहीं डॉक्टर है। That's my boy. Good. कोशिश बहुत की मैंने बट मेरे सारे एफर्ट्स फेल हो रहे हैं। मैं उनको जितना पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ उतना बिगड़ता जा रहा है।
बट माँ आप बता क्यों नहीं देते अपने बीमारी के बारे में सबको? नहीं बता सकती, मुझ में हिम्मत नहीं है। तो श्रीवा ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है, लड़की ने अपनी शादी खराब कर दी है। पलक आ जाएगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ जब कीमो शुरू होगा तब क्या? नहीं करानी मुझे कीमो, मुझे तिल तिल के नहीं मरना है शिवम, मुझे अपने परिवार के बीच में सबके सामने मरना है। आप मेरे से ये सब मत बोलो, मेरी किसी को फिक्र ही नहीं है। This is not fair. तो मेरा सबसे अच्छा बेटा है, सबसे लायक बेटा, ईगोलेस, सेल्फलेस नोन। तेरी जो क्वालिटीज है ना, इसमें से जरा भी बाकी सब में होती है तो इस वक्त सब कुछ ठीक होता। पापा रात से घर नहीं आए, ऑफिस में है शायद। पापा ने पलक को पहचान लिया तो शायद तब तक पलक भाभी डैड के दिल में जगह बना चुकी होगी। माँ एक गुड न्यूज बताओ, आपकी आपकी दो और पोतियां है। What? जुड़वा एकदम डिक्टो रखी भाई, कहा है? मुझे ले चल, फोटोग्राफ्स है तेरे पास, मुझे दिखा दे, एक बार मिलवा दे, दूर से देख लूंगी। सच उनको ले आओ, देखिए ना सब अपना गुस्सा भूल जाएंगे। भाई भाई एक बात बता, तू डिवोर्स के बाद मुझे नौकरी पे तो रख लेगा ना? बकवास मत कर प्लीज। सॉरी सॉरी यार, थोड़ा थोड़ा सही नहीं है भाई, थोड़ा मतलब। और समायरा, समायरा की कस्टडी तो मिल जाएगी ना मुझे? अमन प्लीज जाके सो जा यार, पका रहा है तू मेरे को। जस्ट जस्ट फको, तू भी ऐसे ही बोल भाई। बिकॉज वन फाइनल डे योर सिस्टर डिसाइडेड टू लीव मी। सीरियस डिवोर्स? क्या बच्चों का खेल है क्या ये? सच्चाई मालूम थी ना तो शादी क्यों की? लग हो गया था भाई प्यार, एक मुलाजिम को अपने मालिक की बेटी से प्यार हो गया था। तो झेलो फिर, झेल लो भाई। रीवा तो गलत, तू भी कम बेवकूफ नहीं है भाई। भाई बेवकूफ नहीं हूं मैं, बेवकूफ नहीं हूं। और तू ना, तू भी वही है, क्योंकि भाई मैंने जो किया है ना, तूने भी वही किया है, तो तू भी वही है जो मैं हूं। तू ना मार खा के सोएगा आज। अरे भाई वैसे एक 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 ऑफ द ट्रैक एक बात बोलूं, तूने कभी मतलब पलक से पूछा था कि तुम दोनों के बीच में एग्जैक्टली पड़ गया था? नहीं मतलब यार भाई कहना कि देख मेरा तो जो केस है ना वो शायद मिसमैच का है भाई, पर हो सकता है कि तेरा मिसअंडरस्टैंडिंग का हो। अमन यू क्रॉसिंग द लाइन। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भाई लाइन तो तू ही बता देना क्या लाइन है। वैसे भी तो इस घर में सब कुछ तुम ही लोग तो डिसाइड करते हो ना, तो तू बता दे भाई क्या लाइन, क्या लाइन मतलब? फर्क है तेरी सिचुएशन में और मेरी सिचुएशन में फर्क है, कैरेक्टर का फर्क है। तूने रीवा से शादी की क्योंकि तू उसे चाहता था, और रीवा उसने तुझे कोई धोखा नहीं दिया। धोखे में नहीं की भाई, बस जबरदस्ती की, डैड के दबाव में आ गई। That bitch. She left me क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। For somebody rich, चाहे वो मेरा ही भाई। Don't ever compare Reva and Palak. Palak has to be responsible in order to unite Aman and Reva. हाँ बहुत सिंपल है, तुमने बोल दिया और हो गया, वेरी नाइस। अभी प्लान ये है कि पलक भाभी को वन बाय वन सबके दिल में उतारना है, और ये आपके बिना तो पॉसिबल है नहीं, है ना? तुमको पता है एनिवर्सरी के बाद उसने एक दिन भी मुझसे बात नहीं की है। जो लड़की 6 साल से मुझसे हर रोज बात करती थी, 6 दिन में तुमने मेरी उससे कट्टी करा दी है। और शिवम तुमने उस दिन मुझे मना कर दिया था उसका कॉल लेने से। एंड वैसे भी आई थिंक शी इज वेल ऑफ विदाउट ऋत्विक। या सीरियस भाभी, अच्छा तू बोल ले पहले। भाभी देखो जो लिखा है वो तो होके रहेगा राइट, but if we don't put any effort तो हम सब भी गिल्ट में चले जाएंगे। It's not possible.
Reva hates Palak. Even if they get together, Reva hates Palak. And Palak wants to avoid all the news, tumko pata hai. Exactly. Tu bol le chal. Hame na accidental meetings fix karni hogi bhabhi. Aaj shaam ko mere ghar mein book club hai thi hai. Main Palak ko bolti hu ki mere ghar pe aa jaye Pragati ke saath aur main Reva ko bhi invite kar leti hu. Wait. I think it's time Palak should know ki Reva aur Aman ki shaadi kyun hui thi. Got it. What? Loser, तू नहीं समझेगा। भाभी, आप एक काम करो, अभी के अभी दोनों को invite भेजो। Okay. Nice. थोड़ा और हाँ, धीरे-धीरे आदत हो जाएगी। वैसे आप कल रात को घर क्यों नहीं गए? तुमने क्या side business खोल रखा है detective agency का? जासूस हो तुम? आपके manager ने बताया मुझे। बताइए, क्यों रुके थे आप? मुझे एक बात बताओ, आप क्या अपने सारे पेशेंट्स को इसी तरह डांटती हैं? नहीं, मैं अपने इनडिसिप्लिन पेशेंट्स को इतना डांटती हूँ। सिर्फ थेरेपी से कुछ नहीं होगा, आपको अपने डाइट का, रेस्ट का, सबका ख्याल रखना पड़ेगा। अब बताइए, क्यों रुके थे आप ऑफिस में? वो एक्चुअली तुमने इतना डांट दिया था ना, दिन भर डिप्रेस हो गया था, इसलिए इधर ही सो गई। कहते हैं काम ऐसा हो जहाँ जाने का मन करे और घर ऐसा हो जहाँ लौटने का मन करे। मुझे तो दोनों ही काटने को आते हैं। मेरी बड़ी बेटी का डाइवोर्स हो रहा है। आपकी बेटी का? मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां। उनमें से आधे घर छोड़ के जा चुके हैं और जो घर पे हैं वो सुखी नहीं है। अब मेरी बड़ी बेटी की शादी भी टूट रही है। अमन और रीवा की शादी मैंने ही कराई थी। एक प्यारी सी नात भी है मेरी। I have a beautiful granddaughter. कल सारा दिन वो अपनी सहेली के घर रही। इसका मतलब समाया ऋत्विक की नहीं, अमन और रीवा की बेटी है। किसे क्या कैसे समझाऊं? मेरी तो समझ में नहीं आता। इतनी छोटी उम्र में समायरा को रोज अपने माँ बाप के बीच झगड़ा देखना पड़ता है। अमन और रीवा तो उसके साथ कभी रहते ही नहीं। वो मुझे और मामू ऋत्विक को अपना सब कुछ मानती है। जानती हो, कुछ साल पहले रिकी की भी शादी हुई थी, लेकिन वो भी टूट गई। खैर, वो तो लड़की ही खराब थी। अब हम बस पुराने फोटोग्राफ्स में ही एक हैप्पी फैमिली लगते हैं। नहीं, मुझे नानू के पास जाना है, मुझे नानू के पास जाना है। समय रहा के बेबी, ओके, अरे आराम से। मेरा प्रिंसेस ऑफिस में क्या कर रहा है? स्कूल में छुट्टी है क्या? नहीं सर, बेबी की छुट्टी नहीं है, वो आपसे मिलने आई है। क्यों? नानू अब घर क्यों नहीं है, इसीलिए मैं आपको मिलने आई। अरे मेरा बेटा, नानू कल ऑफिस में बहुत काम कर रहा था। इतना काम कर रहा था कि नानू थक गया और ऑफिस में ही सो गया, इसके लिए घर नहीं आया। नानू अब इतना काम मत क्या करो, आई मिस यू। ओह माय बेबी, आई मिस यू टू। देखो अभी आपको आंटी ऑफिस लेकर आई है ना, नानू आपको गाड़ी तक छोड़कर आएगा। चलो 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 नीचे आओ। और हाँ, अगली बार स्कूल से गुटली नहीं मारने का। Yeah, I'll send you the file on email. यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो मैं समायरा की बुक्स देने आई थी। वो मेरे घर पे भूल गई थी, मैं बस निकल रही थी। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कल रात को बोल नहीं पाई, बट I think Samira needs you. This divorce will not be easy for her. Separation कभी भी easy नहीं होता, पर क्या करें? होता तो है। हम तो फिर भी family हैं। कल उसे भी कोई धोखा देगा। Miss Prepare. Ritwik. Don't take my name. अपने नाम से नफरत हो जाएगी मुझे। मैं सिर्फ Samira के बारे में। Not at all. तुम्हें out of all the people, Palak,
समायरा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें बोलते हुए भी? यू नो आई हैव ऑलवेज वंडर्ड तुमने मैनेज कैसे किया, क्योंकि जिस हाल में तुम रह रही हो देखा है मैंने। Somebody with your talent shouldn't be living like that, right? क्या हुआ था, विक्रांत ने छोड़ दिया? तुम तो उसकी मिस्ट्रेस थी ना, और तुम्हारे जैसी लोगों को तुम्हारे जैसी औरतों को हमारे यहाँ कोई राइट्स नहीं मिलते ना। Did he just leave you with two kids? और obviously प्रेग्नेंट थी तो और कोई मुर्गा भी नहीं मिला होगा। समायरा, मेरे परिवार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम दूर ही रहोगी तो अच्छा रहेगा। ऑलराइट, स्टे अवे। गॉश, ये लड़की, मुझे लीगल एडवाइस चाहिए यार, अब तो फोन उठा ले। सक्सेसफुल लॉयर है और सक्सेस अनन्या दी के सर पे चढ़ गई होगी, isn't it शिवम? दीवा दी, don't you think you should find a new friend? Oh gosh, Anaya man, shut up, और अभी हम नाम मत कर। And Annie's not like that, वो busy हो गई होगी बस। तुम दोनों मुझे घेर के क्यों खड़े हो भाई? हटो इधर से। अरे, for God's sake, I have to try Ananya. I'm sure Riva is calling and I'm not going to pick up her call. I mean, वो अमन के छोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकती है यार? और पता है, उसको legal advice किससे चाहिए? मुझसे। से तो आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प हर। आई बिलीव शी इज नॉट आंसरिंग। वैसे सेतु दी के यहाँ पे अनन्या आ रही है, बता था सेतु दी ने। क्यों? वो बुक क्लब की मीटिंग है ना, आप नहीं चल रहे हो? वैसे आप चल सकते हो। या यू शुड जॉइन अस। अनन्या से भी वहीं मिल लेना। एक्चुअली यू आर राइट, इनवाइट तो आया ही है ना, देन आई कैन स्पीक टू एनी अदर। रीवा दी इज कमिंग। अब पलक भाभी बाकी है। प्रैग्स प्रैग्स काय? हां हाय पलक दी, सुन जी और दिया की डांस क्लास है आज, तो प्लीज उन्हें पिक कर लेना, मैं ना बहुत थक गई हूँ। प्लीज आई नीड अ कप ऑफ कॉफी प्लीज। अरे यार नहीं, अब टायर्ड हो ना, आप मेरे साथ आओ, आप यहाँ बैठिए कुशन सॉफ्ट सॉफ्ट, और ये पैर ऊपर कर लो आराम से। कंफर्टेबल? हाँ कंफर्टेबल। अब कॉफी बनाएगी प्लीज? हाँ मैं अभी गर्म गर्म कॉफी लेके आई। वाह, मुझे ऑडिशन का कॉल आ गया। कैन यू बिलीव इट, मुझे सो एक्साइटेड, मुझे यस्टरडे ऑडिशन का कॉल आ गया। पलक दी, मुझे अभी हाफ एन आवर में उन्होंने बुलाया। अब ओह नो, आई फॉरगॉट, मुझे सेतु मैम के आए मफिन्स पहुंचाने थे, उन्होंने मुझसे कहा था ये बनाने। अब मैं क्या करूं? अब दी प्लीज, आप ये मफिन्स उनके यहाँ पहुंचा दोगे प्लीज? तुझे एक्टर बनना? एक्टर तो मैं बचपन से हूँ, मुझे ना स्टार बनना है, स्टार। एनीवे पलक दी, आप प्लीज ये मफिन्स जाके दे आओगे उनको? प्लीज 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 प्लीज। फाइन, लव यू दी। Thank you. Hi, Mr. Gandhi. कैसी लगी मेरी acting? I nailed it, I know. बिल्कुल, बहुत natural था। गांधी जी, सिर्फ lead role हाँ? अपने director friend को तुरंत भेज रहा हूँ। Palak is on the way with my friends. All right. तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। हाँ, मुझे शिवम मामू ने दिया जी आके साथ जॉइन करवाया। डोंट स्टॉप अंकल, जॉइन समायरा। आ,
पता है बचपन में मैं भी रीवा की चोटी ऐसे खींचता था। दिस गर्ल इज सो मच लाइक मी। अमन चेहरा चेहरा क्या चेहरा प्यारा नहीं यार, मैं तो रोहित से मिलने आया था यार घर पे, वो पार्टी के बाद इतने दिनों से मिला नहीं था ना, तो याद आ रही थी यार। और या वारे पारी, तुझे पता तेरी बीवी छोड़ यार। अबे छोड़ तो वो रही है मुझे, कैन आई गेट अ वाइन प्लीज। हेलो ए लिसन स्टॉप ड्रिंकिंग। तुझे पता है वो लीगली एडवाइस किससे लेना चाहती है? मुझसे। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की डिवोर्स करवाऊं। आई मीन आई विल बी द लास्ट पर्सन डूड। अमन आई मीन व्हाट द हेल यार, मुझे एक बात बताया नहीं यार। यार अगर मैं कोई चीटर होता या मैं कोई अडल्ट्री करता या मतलब मैं कोई वाइफ बीटर होता या डोमेस्टिक वायलेंस करता, ये सब कुछ करता तो समझ में भी आता है। उल्टा केस तो मुझे उसके ऊपर करना चाहिए फॉर बीइंग दैट रेकलेस पर्सन दैट शी इज। हेलो हेलो वन वाइन प्लीज। हेलो कोई वाइन नहीं अमन, सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। व्हाट हैपेंड? ही हैज बीन व्हाइनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। ओह अमन भाई के तो मजे हैं। हाँ टू कैट दैट गर्ल स्विमिंग अराउंड हिम। मैं वाइन लेकर आता हूँ। गुड, क्या हो गया इसको यार? मैं निकल रही हूँ, जियादिया को पिक करना है। आई एम गेटिंग लेट। अरे रुकना, एक तो सुन के जा, इट विल बी फन। नूनस यार यहाँ पे बहुत सारे हैं, यू नो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद देम। लास्ट टाइम जो हुआ था उसके बाद से तू ठीक है, लेकिन थोड़ी देर रुक। तू चाहती है तो तेरी पेस्ट्री में फोटो खींचा दूं। वैसे कहाँ है हमारी वो बटिंग जर्नलिस्ट? अब वो जर्नलिस्ट नहीं, एक्ट्रेस हो गई है। What are you saying? इंडियन मीडिया एक आक्रामक जर्नलिस्ट से महरूम रह जाएगी। Let's toast to that. Wine, please. Cheers. What is she doing here? I think you have my answer. सेतु भाभी की फ्रेंड। Thank you so much for the valuable शिवम, पर यहाँ पे क्या कर रही है? And after what she did to Ritwik, तू क्या उसे सपोर्ट कर रहा है? अरे अवॉइड करो ना। अवॉइड मैं भी कर रहा हूँ। शिवम